तो गाइस देखो बहुत प्यारी धूप आ रही है और इस धूप के अंदर अपने भाई ने चोटी बांध दी है। पता नहीं कब पहुंचेंगे द्वारिका। हर हर महादेव, वेलकम बैक टू ऑफ एक न्यू वीडियो के अंदर। एंड के साथ सभी लोग आयो, आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरी द्वारिका पैदल यात्रा का 23वां दिन हो गया है, क्योंकि देखो सामने आ गई है प्यारी प्यारी धूप। तो 23वां दिन कंटिन्यू हो गया, बाकी घर से निकले हुए आज 23 दिन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपने पेरेंट्स की, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब पहुँचने ही वाले हैं द्वारिका, ठीक है। बाकी जस्ट मैं रुका था, नवा रणुजा छे, बाकी सवार सवार ने मॉर्निंग छे, भगवान ना दर्शन पण करी लीधा छे। जो कंईक आवो छे सीन, आखो द्वारिक, मतलब मने द्वारिका ज आवडी जाय छे। आ छे नवा रणुजा, जो कि राजस्थान में छे आपणो बाबारी, अने आ छे नवा रणुजा जो कि कालावाड़ ने अंदर आवेलू छे, याद राखजो कालावाड़। बाकी आ छे जो आ छे नवू मंदिर, अने आनी पाछळ छे जूनू मंदिर, कंईक आवो सीन छे। बाकी जस्ट आपणे तैयार थई गया छे, एंड हूँ छे ने आजे नहायो नथी, એન્ડ આજે હું નાવાનો પણ નથી, હું કાલે નાહીશ। કેમ કે યાર અહીંયા ઠંડુ પાણી છે ને, નાહવાનું રોજ જે નાહવાનું યાર, એક દિવસ ના નાહીએ તો ચાલે નહીં, સાચું કહો તમે, એક દિવસ નાહીએ નહીં તો આપણે ચાલે જાય ને। તો બાકી જસ્ટ હું આજે નાહવાનું જ નહીં, મને ગમે તેમ થાય નાહવાનું જ નહીં, એટલે જ નાહવાનું નહીં, કાલે જ નહીં, કાલે પાછો ઈચ્છા થાય તો બાકી નાહવાનું જ નહીં હોય બે ત્રણ દિવસ માટે, બરાબર। કેમ કે ઠંડી બહુ પડે છે આ બાજુ। બાકી આપણું બેગ પેકિંગ થઈ ગયું છે, તો ચાલો હવે અહીંથી આપણે નીકળીએ, તો જય દ્વારકાધીશ ભાઈ। ચલો ત્યાંથી નીકળી ગયા છે, મંદિરનો મેઇન ગેટ છે, બાકી આપણો બેગ બેગ આ છે, એન્ડ આપણો ફ્લેગ પણ લહેરાવી રહ્યો છે। તો ચાલો અહીં હવે ગરમા ગરમ ચા પી લઈએ, પછી આપણી યાત્રા પર નીકળી જઈએ। અગા ચા, ઓય ચાય ચાય ચાય, દેખો ગરમા ગરમ ચા પી લેતે હૈ તાકી થોડી સુસ્તી ઉડ જાય। એન્ડ મેને ઓનલી ફોર બ્રશ ક્યા હૈ, યહાં પે કોઈ નાસ્તા વાસ્તા નહીં ક્યા હૈ। ચલો देखो गर्मा गर्म चाय, इसको इसको टी बोला जाता है, टी है ना, टी प्यारी है यार। आपका भाई जा रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे कोई स्कूल का प्रवास आया है ना, तो वहाँ पे हमने खाने के लिए इनवाइट किया है, नाश्तों के लिए। तभी हम नाश्ता करवाने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं नाश्ता में है क्या, लेकिन चलो यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे नाश्ता मिल रहा है अभी, तो चलो जा रहे हैं खाने के लिए। यार यहाँ पे देखो कोई रथ है, मतलब संघ जैसा यात्रा लो, और यहाँ पे हम लोग खाने के लिए इनवाइट किया है, पर हमको मिल गई है पाव भाजी, तो चलो खा लेते हैं यार, बहुत प्यारी है सुबह सुबह की। देखो बहुत प्यारी लग रही है। जस्ट हम पहुंचने वाले हैं, देखो जामनगर 36 किलोमीटर की दूरी पे है, 36 किलोमीटर की दूरी पे है जामनगर। बाकी आज नहीं पहुंचेंगे, कल ही पहुंचने वाले हम जामनगर में, आज तो नहीं पहुंच पाएंगे बेड़ू, नहीं पहुंच पाएंगे। तो गाइस चलो देखो यहाँ पे कितना प्यारा व्यू आ रहा है, जिस व्यू को एंजॉय करने के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं अभी। चलो गाइस देखो, वाह देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और हम इस दराओं पे जा रहे हैं अभी। वाह तो ब्यूटीफुल गाइस, देखो कितना प्यारा लहरें आ रही है पानी की, और हम यहाँ पे बैठे। बाकी देखो अभी एक बार चेक करो कितना प्यारा है, अमेजिंग। वाह गाइस कितना प्यारा व्यू आ रहा है, देखो 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 गाइस, वाह। હવે ધીરે ધીરે દરિયાનો છેડો આવી રહ્યો છે, ચલો અભી યહાં સે ચલતે હૈ। દેખો કોઈ એસા બ્રિજ થા જિસ પે હમ આયે થે, બહોત પ્યારી લહેરે આ રહી હૈ પાણી કે અંદર, બહોત સારા। દેખો ગાઈસ जगह पे ना ये है ना, सबसे ऊंचा ऊंचा पहाड़ी विस्तार है, ऊंचा मतलब बहुत प्यारा, एंड यहाँ इतना ज़्यादा पवन आता है ना, देखो पास में देखो पवन चक्किया है, एंड देखो पहाड़, आपको यहाँ पे हवा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, वो जो बोलते हैं ना वायरा वायरा, बहुत ज़्यादा वायरा आ रहा है, मेरे तो बाल निकाल
साइड जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखो पवन चक्की भी है, बहुत प्यारा ऊपर, मतलब ये जो विस्तार है ना वो ऊपर की है, मतलब मेजा ना वो नीचे डाल था डाल और ऊपर विस्तार आ गया है, अब यहाँ से धीरे धीरे डाल उतरता है। बाकी यहाँ का देखो सीन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। कोई दुकान नहीं यहाँ पे है ना, पहाड़ी विस्तार देखो पूरा पूरा जंगल जैसा, मतलब रण जैसा दिख रहा है। बाकी रण तो नहीं हुआ आगे का एंड वेस्टिंग सिंचाई योजना अच्छा, मतलब ये जो है ना वो पूरा ऊपर इलाका है, पूरा ऊपर का इलाका है, ठीक है। बाकी चलो जस्ट हमने चड्डा 90 में से चड्डा कर दिया है, चलो प्लीज देखो बहुत प्यारा सीन आ रहा है। एंड हम रुके हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे दुकान है तो यहाँ पे अपना बैग छोड़ दिया है और मैंने लिए कुछ पड़ी के, जो कुछ बिस्किट भी है कुछ पड़ी के है, और ये रहा झूला, झूले पे झूलते हैं और बिस्किट विस्किट पड़ी के खाते हैं। चलो बहुत बहुत ज़्यादा थक गया, इतना ज़्यादा पवन आ रहा है ना यहाँ पे, ये बाल है ना बार बार आँखों में आ रहे थे, थक गया ना तो चोटी बांध दी देखो क्या करे यार, बार बार बालों में आ जाते थे, आँखों में चोटी बांधी। वैसे भी कटवा भी नहीं सकता मैं, करूँ तो करूँ क्या। बाकी अब तो मेरे को एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि मैं कब पहुँचूँ और कब दर्शन करूँ। एंड एक है यार भाई, यहाँ पे देखो ये रिक्शा है ना, इसके साथ कुछ हुआ है, ये देखो ना पूरी टायर ने हार निकल गई, इसके इंजन इंजन खतास हो गए, देखो सब कुछ तोड़ फाड़ कर दी यहाँ पे किसी ने रिक्शा के, पता नहीं कुछ एक्सीडेंट जैसा हुआ होगा शायद मेरे ख्याल से, हाँ वैसा कुछ सीन हुआ होगा। बाकी चलो यहाँ से ये, बाकी सामने देखो यार कितनी ज़्यादा पवन चक्की दिख रही है आपको, है ना, दिख रही है ना, ये देखो। बाकी गाइस कल है ना साल बदलने वाला है, लेकिन तुम मत बदलना, कल से 2000 लेकिन आज रात से 12 बजे के बाद 2024 आ जाएगा, याद रखना 2024, मतलब कि मेरी तरफ से आप सभी को न्यू वर्ष की हार्दिक शुभकामना। मेरे लिए तो न्यू साल तो नहीं बदलने वाला है, मेरे लिए सिर्फ दिन बदलेगा और डेट बदलेगी, ठीक है। बाकी मेरे लिए तो तब बदलेगा न्यू ईयर्स जब मैं खुद अपने आप को काबिल बन जाऊँ ना, तब मेरे लिए साल बदलेगा। बाकी चलो बहुत प्यारी धूप आ रही है, तो गाइस देखो बहुत प्यारी धूप आ रही है और इस धूप के अंदर अपने भाई ने चोटी बांध दी है, पता नहीं कब पहुंचेंगे द्वारिका। तो गाइस मेरे को इतनी ज्यादा प्यास लगी है ना, पानी अभी आसपास कहीं पे जगह भी पानी नहीं दिख रहा और दुकानें भी नहीं आ रही, कोई होटल भी नहीं आ रहा, ढाबा भी नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या मैं। देखो दूर तक यहाँ पर घर है लेकिन वो सारे मेरे ख्याल से बंद होंगे, वहाँ पर पानी भी नहीं होगा, और ये जो गाड़ी आ रही है ना इसमें से कोई हेल्प करे तो कौन करेगा यार, क्योंकि मेरे को पानी पीना है ही नहीं मेरे पास पानी, देखते हैं बॉटल किसी को दिखाते हैं, कोई समझेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। पानी के लिए हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, कहीं पानी पीना है लेकिन क्या करें अब, देखो ना कोई पानी के लिए कोई, अरे पानी पानी है, पानी है, पानी दो था। तो गाइस इन भैया ने मुझे देखो यहाँ पे एप्पल है और बोर दिए और पीने के लिए पूरी बॉटल दी, मतलब मैंने भूख लगाई कि पानी, तो मतलब इन भैया ने गाड़ी रोक दी और मुझे पानी दिया। बाकी चलो ये मतलब ये देखो पूरा सुनसान रोड है, यहाँ पे ना तो कोई घर है, ना होटल है, ना कोई दुकान है। बाकी चलो थैंक यू, चलो आ गए। Peace.
अभी का टाइम देखो यार, 5:25 हो रही है एंड जस्ट जामनगर यहाँ से होगा करीबन 20 किलोमीटर के आसपास। बाकी आज पवन चक्की आप अपने हिसाब से सामने देख लो कितनी बड़ी है। एंड सोचता था जगह कहाँ मिलेगी रुकने के लिए, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो मेरे को कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया है। देखो अलख धनी, बहुत आवाज़ करता है छकड़ा, है ना। यहाँ पे देखो अलख धनी सेवा आश्रम, आपनों हार्दिक स्वागत करे से। अने यहाँ पर लख्यू से अलख धनी सेवा आश्रम, पदयात्रियों माटे चा पानी भोजन की व्यवस्था राखेल से, मानव सेवा एक एज प्रभु सेवा, मतलब कि अया रुकावानी जग्या मळी जशे मारा ख्याल थी। अजी मैं अंदर पूछू नहीं, बाकी जोऊ छे अंदर मळी जशे, बाकी चलो मळी जाय तो सारी बात छे, बाकी ठाकर जे करे सारू छे, बाकी चोटी जो, बाकी चलो अंदर जाइए। हवे गाइस आपके भाई को रुकने की जगह मिल गई है एंड मैं रुका था, देखो जस्ट यही है मंदिर वो जहाँ पे मैं रुका हूँ, वहाँ पे वो गुरुजी बैठे हैं और यहाँ पे मैंने पूछताछ की। और ये जो आश्रम है ना, मतलब यहाँ पे यात्रियों रुकते हैं, यहाँ पे यात्रियों रुकते हैं कि मतलब जगह अच्छी है रुकने के लिए। बाकी हमने हाथ पैर मुँह धो लिया है एंड यहाँ पे लोकल चंपल थे ना भैया के, वो हमने पहन लिए है ताकि हमारे शूज को थोड़ी आराम मिले और पैर भी थोड़े खुले खुले हो जाए ना इसलिए। बाकी जस्ट एंड मुँह वो धो लिया है, बाल भी हमने धो दिए, फिर से मैंने चोटी बांध दी क्योंकि खुले रखूँगा ना तो फिर ऐसे आंकड़े बढ़ जाते हैं और वेकर वेकर हो जाती है बालों में, इसलिए फिर मैंने फिर से चोटी बांध दी। अब तो यार बालों की मतलब जो प्रॉब्लम हुई है ना वो बालों की हुई है, पहले से पता होता तो मैं काश घर से कटवा लेता। बाकी देखो यार पवन चक्की है बहुत, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही, देखो है ना, आपको आवाज़ नहीं मतलब शाम को सुनाई देगा। एंड यहाँ पे भैया जी दौरड़ा कूद रहे हैं, चलो हम भी कूदे भैया। अच्छा तो गाइस चलो आपका बाइक खेलता है दौरड़ा। गाइस थोड़ा पैर में लग गई है, वापस से ट्राई करते हैं। पैर में दुखा बहुत ज्यादा हो गया है ना, प्लास्टिक ने लाग छे, प्लास्टिक छे लागी जाय छे। बाकी त्या देखो त्या पवन चक्की छे, त्या लाइट, यहाँ पर देखो पवन चक्की भी लाइट हो रही है। बाकी छोटी हाय बोल दे, हेलो। तो गाइस हम आज रुकने वाले हैं यहाँ पे, बहुत प्यारी जगह मिल गई है, घर जैसा फील हो रहा है, अपने घर जैसा, क्योंकि यहाँ पे दादा दादी और ये दो बड़े छोटे भाई छोटी बहन मिल गए हैं, बहुत प्यारा, दिल को सुकून लग रहा है आज, बहुत बहुत बातें शेयर की, मज़ा आ गया। तो चलो वैसे भी व्लॉग में कंटिन्यू बने रहना और खा रहे ना, अंदर दादा और दादी है, हम उन्होंने साथ खाना खाया बच्चों ने, हेलो, इन सभी ने हमने है ना मतलब हमने साथ में खाना खा लिया, लेकिन वहाँ पर सभी फैमिली थी ना तो हमने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मतलब दादा मारी उनको कुछ गलत लगेगा इसलिए मैंने व्लॉग। बाकी अभी देखो यहाँ पे कुत्ते इन्होंने पाले हैं ना तो अभी देखो सभी को खाना देने जा रहे हैं, देखो गाइस अभी का जो टाइम हो रहा है ना वो देखो 4:53, मतलब 5 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में मॉर्निंग हो जाएगी। भाई की मैं रुका था ना वो देखो, ये रहा वो खटिया, यहाँ पे मैं सोया था। बाकी गाइस आपको कुछ आवाज़ आ रही है, देखो है ना वो पवन चक्की घूम रही है। तो बस इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं एंड मैंने अभी नींद में से उठा, व्लॉग एडिट किया और कोई बात नहीं यार, चलो आज का व्लॉग बस यहाँ तक। एंड गाइस आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स, हैप्पी न्यू ईयर्स, साल बदल गया है तुम मत बदलना, हैप्पी न्यू ईयर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।